उत्तराखंड में महिला सुरक्षा को लेकर कांग्रेस मुखर नजर आ रही है और इसी कड़ी में महिला कांग्रेस सीएम आवास कूच करने जा रही है। 21 सितंबर को महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता सीएम आवास कूच करेंगी। महिला कांग्रेस की अध्यक्ष ज्योति रोटेला ने इस बाबत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा को लेकर सरकार का घेराव किया जाएगा, जिसके लिए कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए गए हैं। मांगे तो बहुत सारी हैं, लेकिन मुख्य जो मांग है इस प्रदेश में, जिस तरीके से लगातार पिछले 2 सालों में आप देख रहे होंगे कि महिलाओं के ऊपर जिस तरीके की घटनाएं पड़ी हैं, बलात्कार की घटनाएं, अत्याचार की घटनाएं, और जिसमें भाजपा के लोग भी शामिल हैं, लेकिन उन पे जो कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। मुख्य मांग हमारी महिला सुरक्षा है, उसमें हम अंकिता भंडारी को भी शामिल कर रहे हैं, क्योंकि अंकिता भंडारी के केस को 2 साल 18 तारीख को हो रहे हैं, लेकिन अभी तक उसमें जजमेंट नहीं आया। तो ये कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर सरकार का फेलियर है कि हमारी जो महिलाओं के साथ इस प्रदेश में घटनाएं घट रही हैं वो उसको सुरक्षा नहीं प्रदान कर पा रहे हैं, और उसके खिलाफ हमारा 21 तारीख को मुख्यमंत्री।